नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली पांडे ब्लॉग्स। देखो यार, अगर ज़िंदगी में ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यार सब कुछ डेड हो गया, अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, तो यार आंख बंद करके सीधा भगवान के पास आओ और सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दो कि हे प्रभु, जो भी है जैसा भी है, आपको तो सब कुछ पता है, अब जो भी आप निर्णय लोगे वो हमें स्वीकार है। तो वो एक जो मन को शांति मिलती है ना भगवान के पास आके, वो कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया के किसी कोने में जाओ, किसी से बात कर लो, किसी से सजेशन ले लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक कि भगवान के पास नहीं आओगे, भगवान के चरणों में। भगवान बुलाता भी उसे है जो जिसको भगवान खुद चाहते हैं कि मेरे पास वो आए बंदा, जिसको पसंद होता है, जो बंदा उनको पसंद होता है उसी को अपने धाम में बुलाते हैं। अदरवाइज़ लोगों के पास इतने बहाने होते, इतनी चीज़ें होती हैं, इतने काम होते हैं कि लोग नहीं आते। सो हेलो दोस्तों, आज मैं वृंदावन आ चुकी हूँ, जो कि हमारी प्यारी राधा रानी और हमारे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे से प्रेम कहानी का स्थल है। सो व्लॉग स्टार्ट करने के पहले प्यार से बोलो राधे राधे। यहाँ पे एक चीज़ है वृंदावन में कि यहाँ पे जितने भी लोग पहले से रह रहे हैं या फिर जो लोग आते हैं, जितने भी पंडित हैं, लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेमस है राधे राधे। इसकी एक स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, क्यों लोग सिर्फ राधे राधे बोलते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे अब चाय पीऊँगी और यहाँ पे मैं हर जगह ढूंढती रही, कहीं भी मुझे नींबू की चाय नहीं मिली, फिर मैंने नींबू स्पेशली खरीदा, फिर मैं नींबू का चाय पी रहा हूँ और फिर मैं अब सीधा मंदिर के लिए जाऊँगा। यार देखो, हमारी सुबह तो चाय से ही होती है, सो चलो अब मंदिर चलते हैं। सो वृंदावन का जो पहला डेस्टिनेशन है वो है प्रेम मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्यार का प्रतीक है ये मंदिर। देखो यार, ये यारी दोस्ती सब ठीक है, छोड़ो ये सब। जब भी धाम में आते हो, भगवान के यहाँ आते हो, एक कनेक्शन फील करना चाहते हो, हमेशा अकेले आओ और भगवान से कनेक्ट करो, कनेक्शन बनाओ। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही भव्य और सुंदर ये एंट्री गेट है प्रेम मंदिर का। मंदिर के गेट के जस्ट बाहर ही रोड पर सब कुछ खाने पीने का अवेलेबल है। सुबह आरती का जो टाइम भाई, मैं तो बिना आरती के यहाँ से जाने वाली नहीं। और ये हमारी प्यारी राधा रानी की आरती स्टार्ट हो चुकी है। देखो, अगर आप सिर्फ ट्रिप के पर्पस से आते हो वृंदावन, सो वन डे इज इनफ फॉर ट्रिप। सो अब आरती लेके मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और यहाँ से सीधा मैं जा रही हूँ यमुना जी। सो गाइज, यहाँ पे जितने भी टेंपल्स हैं वो 12 PM पे बंद हो जाते हैं, फिर 4:30 PM पे ओपन होते हैं सारे। सो अब इस तड़पती कड़कती धूप में, अपनी राधा रानी के प्यार में, मैं अब यमुना जी के पास जा रही हूँ, जहाँ पर राधा जी और श्री कृष्ण भगवान प्रेम की लीला करते थे। देखो यार, अगर राधा रानी का प्यार चाहिए तो इतना तो कम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ना धूप, ना छाँव, ना गर्मी, ना बरसात, कुछ भी नहीं दिखता उनके प्यार के आगे। सो ये यमुना जी के तट के सामने का गेट था और ये अंदर का रास्ता है जिससे मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, कभी भी स्पैक्स एंड लाइक टोपी वगैरह कुछ भी मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर बंदर कुछ भी लेके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। तो यमुना जी के किनारे जस्ट मैं आ गई हूँ। यहाँ पे आप ऑटो रिक्शा भी करके आ सकते हो, बट रेयरली आने नहीं देते हैं। और बाहर एक काफ़ी फूड की चीज़ें हैं जिसको खाना पीना जो भी करना एंजॉय कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कितनी सुंदर यमुना जी दिख रही हैं, जिनको देख के ही अंदर से प्यार सा उमड़ रहा है। अब यमुना जी तक आ चुके हैं और राइड ना करें, ये तो गलत बात है ना। सो राइड करने के लिए मैं आ चुकी हूँ और इसका ज़्यादा टिकट नहीं है, 100 rupees पर पर्सन सिर्फ होता है। सो एक बार आओ यमुना जी के पास और इन्जॉय ज़रूर करो। यहाँ आके ना मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा, मीठे रस से भरी ये राधा रानी लागे, महारानी लागे, माहो थक खारो खारो यमुना जी दा पानी लागो। ये वही तट है जहाँ पे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण और उनकी सारी सखियाँ रासलीला करते थे।
वाओ व्हाट अ अमेजिंग सीन यार, इसको मतलब ये देख के ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा, आपको भी ये चीज़ देख के लग ही रहा होगा कि हाँ यहाँ पे सच में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण रहते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है काश ये फिर से ऐसी लीलाएं हो जाती और मैं देख लेती और हमारी आत्मा हमारी संतुष्ट हो जाती। सो वृंदावन में सारे के सारे लोग सिर्फ यहाँ पे राधे राधे बोलते हैं। ये इसका रीज़न ये है क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम की कहानी का अंत हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि जब भी आप कि कोई भी राधे राधे बोलेगा तो भगवान श्री कृष्ण ज़्यादा प्रसन्न होंगे और ज़्यादा जल्दी आएंगे, ज़्यादा जल्दी सुनेंगे, बिकॉज उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय राधा रानी ही थी, इसीलिए लोग राधे राधे बोलते हैं और दोनों लोग प्रसन्न होते हैं। तो आप भी प्रेम से बोलो राधे राधे। सो यमुना जी की राइड अब मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं 10 से 15 मिनट यहाँ बैठ के थोड़ा यमुना जी के साथ कनेक्शंस फील करूँगी एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। देख सकते हो अब कितनी ज़्यादा धूप है फिर भी लोग कितना पागल हैं राधा रानी के प्यार में। सो अब मैं यहाँ से निकलूँगी और सीधा निधिवन के लिए जाऊँगी। मैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि निधिवन भी ठंडियों के टाइम पे पूरे दिन में ओपन होता है बट गर्मियों के टाइम पे 2-3 घंटे के लिए बंद होता है। जी मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, एकदम एटीट्यूड, अंकल का स्वैग देखो भाई साहब, पढ़ो पढ़ो ध्यान से पढ़ो इसे, अंकल जी के यहाँ पे अलग ही स्वैग थे फिर भी लोग आके अंकल जी से पूछते ही थे। तो दोस्तों निधिवन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा बट फिर भी जिसको नहीं पता होगा मैं उसको बताना चाहूँगी कि निधिवन में जितने भी पेड़ हैं ये चीज़ वास्तविक है कि वो दिन में पेड़ होते हैं बट वो रात होते ही वो सारे पेड़ गोपी बन जाते हैं और जितने लोग भी रात में रुकने की कोशिश किए हैं यहाँ पे सबकी समाधि बनाई गई है यहाँ पे और सब के सब भगवान श्री कृष्ण की और लीलाएं देख के अंधा पागल या लोगों की डेथ हो जाती है। तो देखो यार राधा रानी का प्यार था ही ऐसा कि मैं नहीं पूरी दुनिया ही पागल है। देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं, 10 dozen मीन कि सब ऐसे ही आए हैं, ऑब्वियसली कुछ तो है राधा रानी में। सो फाइनली मैं गेट के अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पे शूज काउंटर जस्ट बगल में ही है, 10 rupees पर शूज का लगता है, यहाँ पे अपना शूज आराम से आप रख सकते हो। आई एम सो एक्साइटेड कि मैं अंदर जा रहा हूँ निधिवन के और मैं सारी पेड़ को देखूंगा और पता है ये सारे पेड़ देख के ना मुझे अंदर से ऐसा लग रहा कि यार ये सारी गोपियाँ काश मुझे दिन में ही दिख जाती हैं। सो निधिवन के बारे में एक फैक्ट और है, अंदर जो एक मंदिर है राधा रानी का उसके अंदर सारे सिंगार के सामान रखे जाते हैं रात में और सुबह गेट बंद रहता है, जब सुबह ओपन किया जाता है तो सारे सिंगार के सामान साड़ी सब कुछ बिखरा होता है सो दैट कि राधा रानी रात में हमेशा यहाँ पे आती हैं और ये सारी चीज़ें फैक्ट है। गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है और ऊपर से कैमरा वगैरह भी ज़्यादा अलाउ नहीं है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको भी घर बैठे ही राधा रानी का दर्शन करवा दूँ। सो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, जल्दी से आप दर्शन कर लेना बिल्कुल। निधिवन के अंदर ही कुंड है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और गोपी सब लोग खेलने आते थे यहाँ पे, सो ये है कुंड। सो मैं अब जा रहा हूँ उस मंदिर में जिसकी मैंने अभी स्टोरी बताई थी आपको राधा रानी वाली, सो ये वही मंदिर है और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ तो कैमरा बिल्कुल, ये देखो बस मंदिर का ही दर्शन करा सकती।
सुनिधि वन प्रेम मंदिर और यमुना जी का भी तट में घूम चुकी हूँ। अब मैं सीधा बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रही हूँ, बांके बिहारी मंदिर के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत संख्या में भीड़ भी होती है। मैं देखती हूँ दर्शन हो पाता है नहीं हो पाता है। ये है बांके बिहारी जी का टेम्पल, जो कि मैं सामने से ही दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे पेड़ा तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग प्रसाद के लिए पेड़ा ही लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि ये 5:30 बजे मंदिर ओपन होगा और अभी 4:30 हो रहा है, 1 घंटा वेट भी करना पड़ेगा। सो अब मैं 4th डेस्टिनेशन पे आ चुकी हूँ, जो कि इस्कॉन टेम्पल है। जैसा कि आप देख सकते हो कितने ज़्यादा यहाँ पे भी भीड़ लगी पड़ी है। और अब जल्दी जल्दी चल के मैं भी इस लाइन में लग जाती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे ये प्रभु जी हैं जो हमें बता रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कमल के फूल पे चलते जाना है और इसका ये भगवान श्री कृष्ण का ऐसा महामंत्र है जिससे मन को शांति भी मिलती है और एक भक्ति में आपका मन भी लगा रहेगा। इसको जरूर ट्राई करके एक बार देखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घूम फिर के मैं फिर से प्रेम मंदिर आ चुकी हूँ। टुडे इज़ माई लास्ट डेस्टिनेशन इज प्रेम मंदिर। मैं मॉर्निंग में भी प्रेम मंदिर ही आई थी और इवनिंग में भी अभी फिर प्रेम मंदिर आई हूँ। आप लोग सोच रहे हो बाबा प्रेम मंदिर क्यों आ रही, बट देर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक कनेक्शन टू राधा रानी।
वीकेंड्स पे वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पैर भी रखने को जगह नहीं मिलता है बिल्कुल भी। देखो यार, अगर थोड़ा सुकून के लिए आते हो इधर तो आई थिंक सो वीकडेज में आओ, थोड़ा सा सुकून मिलेगा, बिकॉज वीकेंड्स पे इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है कि बिल्कुल भी, मतलब एक दर्शन के लिए भी 2-4 सेकंड के लिए आपको वहाँ पे बस रुक के देख सकते हो बस। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इवनिंग में जो आरती का टाइम होता है वो होता है 8:45, सो अकॉर्डिंगली आप उसके आओ यहाँ पे ताकि आरती ले सको। सो नाउ माय ब्लॉग इज ओवर, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो फाइनली अब मैं घर निकल रही हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे राधा रानी को छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा, बहुत अपना सा फील होता है यहाँ पे आके, मतलब मुझे तो बहुत अलग ही फीलिंग आती है यार, ऐसा लगता है सब कुछ सॉल्व हो गया, सब अच्छा है, राधा रानी है, बट जिंदगी है।